डेली HD न्यूज। कोरोना काल के दौरान जहां विवाह संबंधों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परिचय सम्मेलन ऑनलाइन हो रहे थे, वहीं अब कोरोना महामारी का प्रकोप नगण्य होने से ऑफलाइन आयोजन शुरू हो चुके हैं, जिसे खासा प्रतिसाद मिल रहा है। श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में 5 से 7 मार्च तक विजयनगर स्थित गिरधर बहल में आयोजित अखिल भारतीय निःशुल्क परिचय के दूसरे दिन रविवार को बड़ी संख्या में प्रत्याशी एवं अभिभावकों की उपस्थिति ने परिचय सम्मेलन को भव्यतम रूप प्रदान किया। आपको बता दें कि परिचय सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंघल, महामंत्री पवन सिंघल एवं वाणिज्य कर विभाग के पूर्व अपर आयुक्त NL बंसल के आतिथ्य में हुआ था। रविवार को भी महाराजा अग्रसेन एवं परम पूज्य स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल गोयल के चित्र पर माल्यार्पण के साथ प्रत्याशियों द्वारा परिचय बेला का शुभारंभ हुआ। परिचय सम्मेलन के लिए लगभग 1200 प्रत्याशी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब तक लगभग 350 से अधिक रिश्तों की पर बात चल रही है। परिचय सम्मेलन के समापन तक बड़ी संख्या में संबंध तय होने की संभावना है। आयोजक एवं समन्वयक संतोष गोयल ने बताया कि सम्मेलन में बाहर से आने वाले प्रत्याशियों एवं पालकों के लिए मालवा मिल स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर आवास की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। महासभा के समन्वयक संतोष गोयल, अध्यक्ष सतीश गोयल, महामंत्री अजय बंसल, महिला संघ अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के लिए जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, उनमें अधिकांश उच्च शिक्षित प्रत्याशी होकर डॉक्टर्स, इंजीनियर, CA, CS एवं अपने कारोबार में स्थापित सक्षम प्रत्याशी शामिल हैं। कुछ प्रविष्टियां विदेशों से भी प्राप्त हुई हैं। इस अवसर पर बहुरंगी परिचय पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया है। परिचय सम्मेलन में नाम मात्र शुल्क पर अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। रविवार को एक परिचय सत्र विशिष्ट श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए भी रखा गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि श्री अग्रवाल महासभा इंदौर द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय मिश्री लाल जी गोयल की स्मृति में विगत 28 वर्षों से निरंतर अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासभा का दहेज मुक्त विवाह का संकल्प भी सराहनीय है और अनुकरणीय है। परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम का संचालन राजेश इंजीनियर ने किया। मिश्री लाल जी गोयल की स्मृति में जो परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है, आज देखा गया रविवार के दिन ऐतिहासिक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? आज लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि कोविड काल के कारण 2 साल से परिचय सम्मेलन नहीं हुए। हमारी संस्था द्वारा भी 2019 में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 2020 का भी निरस्त हुआ, 21 का भी निरस्त हुआ। तो लोगों में, प्रत्याशी में, अभिभावक में काफ़ी उत्साह है सम्मेलन के प्रति, क्योंकि इस दौरान ये पहला सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें काफ़ी उत्साह भर के लोग आए हैं और इसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और MP, छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी मात्रा में, सब तरफ के लोग हैं। आज भी मंच परिसर से करीब 350 प्रत्याशी ने मन से परिचय दिया है और 150 से 200 लोगों ने नवीन पंजीयन ने भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं। यहाँ पे देखा गया विशिष्ट प्रत्याशी ने भी अपना परिचय दिया, कितने विशिष्ट प्रत्याशी? हाँ, विशिष्ट में क्या है, एक्चुअल में ये हाईटेक परिचय सम्मेलन की भाषा ही में कह सकते हैं, क्योंकि 1152 जो एंट्री हमको प्राप्त हुई है उसमें 1100 बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेशन वाले ही हैं, CA है, MTech है, FTech है, सभी एजुकेटेड हैं। आज रविवार के दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सफल हुआ परिचय सम्मेलन? आज की तारीख में अभी आज ही जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, अभिभावकों में प्रत्याशी के प्रति करीब 150 लोग रिश्ते की ओर आगे हैं। अब ये घोषणा कब होती है मैं नहीं कह सकता, बाकी 150-200 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफी हद तक नजदीक पहुंचे हैं। श्री अग्रवाल, आप जो परिचय सम्मेलन में आए, क्या लगता है किस तरह का परिचय सम्मेलन दिखाई दे रहा है? 2 साल से कोविड की वजह से जो परिचय सम्मेलन हो नहीं रहा है, तो जो 2 साल से लोगों को परेशानी हो रही है, हम वो परेशानी भी यहाँ सॉल्व हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे भीड़, उस हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को अपना जीवन साथी ढूंढने में इजी हो रहा है। आप भी एक प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे चयन हो सकता है प्रत्याशी? यहाँ जो भीड़ और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स और सिटीज से लोग आए हैं, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ मेरे लिए कोई अच्छा मैच मिल जाए। आपका एजुकेशन और क्या बैकग्राउंड है? मैं MBA हूँ, मेरा MBA कम्प्लीटेड है और मैं ट्रैवल कंपनी चलाती हूँ। उषा मंगल। कहाँ तक आपने, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। आज ये जो परिचय सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, क्या लगता है किस तरह से जीवन साथी चुनने में मदद मिलेगी यहाँ से? यहाँ पे काफ़ी लोगों को सहायता मिल रही है और जो कोविड की वजह से परेशानी आ रही थी उसमें भी, मतलब जो टीम ने वर्क किया है, वो काफ़ी अच्छे से हुआ है जी। यहाँ पे देखा गया आज बड़ा रश दिखाई दे रहा है जी, इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको या नहीं हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो
सब लोग सैनिटाइज्ड हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश्वर्या अगर कहाँ से आए आप? काला पीपल। क्या आज जो परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, बताएं क्या किस तरह का आपको लग रहा है, आपका प्रतिसाद दिखने को मिल रहा है, जीवन साथी सुनने को अवसर मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अवसर मिल रहा है और बहुत सारे लोग हैं तो मीटिंग्स भी अच्छे से हो रही है, प्लस जितना भी आयोजन है वो बहुत अच्छे से किया गया है। और कौन कौन आए आज यहाँ पर? मेरे मामा मामी आए हैं, मम्मा आई है, मेरी बहन आई है। लगता है आपको कि जो आपकी तलाश है वो पूरी होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, तलाश पूरी होगी। आपका नाम बताइए।